हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष के जट। गाइस, आज है 19 अक्टूबर और जस्ट कुछ ही घंटों के बाद मैं थिएटर में विजिट करके लियो मूवी को देखने वाला हूं। लेकिन गाइस, उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ लियो की टोटल एडवांस बुकिंग शेयर कर दूं, इंडिया भारत की, ओवरसीज की। बस ये मैं शेयर करूंगा ना, तो कहीं ना कहीं आप बोलेंगे कि भाई साहब, मतलब जवान की जितनी एडवांस बुकिंग ओवरसीज इंडिया की हुई थी ना, उससे डबल तिबल एडवांस बुकिंग अपने थल्लापति विजय सर ने बीट हीट, मतलब कि जो बोलना है बोलो। गाइस, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इतना पावरफुल रश देखने को मिल रहा है, फैंस पागल हो गए, उनसे रहा ही नहीं जा रहा है। और जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि मैं लियो का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं। सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते हैं आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते हैं। गाइस, जस्ट अभी मैं सोकर उठा, आप मानेंगे नहीं, मैंने अभी तक मुंह भी नहीं धुआ है और ब्रश भी नहीं किया है, क्योंकि जब मैंने रिपोर्ट देखी ओवरसीज की और भारत की तो मैं शॉक्ड हो गया। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका फिगर कैसे छुपाया जा रहा है, अब वो कितना सच है कितना झूठ है जान लेते हैं। तो गाइस, पहले अपन बात कर लेते हैं भारत की, अपने भारत की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु से अभी तक की जो इसकी एडवांस बुकिंग जो हुई है वो ये 18.75 करोड़ की, यानी कि 18.75 करोड़ प्लस की हुई है। केरला की अगर मैं बात करूं 9.5 करोड़ प्लस की हुई है। कर्नाटका की अगर मैं बात करूं तो 10.5 करोड़ प्लस की हुआ है। भाई कर्नाटका आप देखें, वहां पर भाई साहब एक अलग ही लेवल का नशा दबदबा देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो 8.5 करोड़ प्लस की हुई है। आरओआई हुआ है जो हुआ है 3.5 करोड़ प्लस का, और देखें आप कितना आउटस्टैंडिंग लेवल का। और मैं बताऊं आप लोगों को इजीली गाइस, ये है ना अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स को बीट करने वाली है। बस देखना ये है इवनिंग में क्या इसका प्रिडिक्शन जो भी आएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो कहीं अगर मैं बात करूं ओवरसीज की, तो ओवरसीज में है ना, मतलब मैं आप लोगों को बताऊं, इतना आउटस्टैंडिंग लेवल की एडवांस बुकिंग हुई है, फैंस का क्रेजीनेस देखने को मतलब की कम ही नहीं हो रहा है। नॉर्थ अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अभी तक की जो हुई है 1.75 मिलियन प्लस डॉलर की हुई है भाई, डॉलर प्रेजेंट डे वन। ओके, गल्फ की अगर मैं बात करूं तो 1.73 मिलियन प्लस की हुई है। यूके यूरोप की अगर मैं बात करूं 1.5 मिलियन प्लस की इसके डॉलर की इसकी एडवांस बुकिंग है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, रेस्ट की जो हुई है 6,50,000 प्लस डॉलर की हुई है। मलेशिया की जो हुई है 501,000 प्लस डॉलर की हुई, यानी कि 5,01,000 डॉलर की इसकी एडवांस बुकिंग हुई है मलेशिया में। आप देखें भाई, इससे पहले कोई भी मलेशिया में इतना हाई लेवल नहीं मार पाया जो कि इतना जंप इन्होंने लिया है थलापति विजय सर ने। सिंगापुर की अगर मैं बात करूं तो वो जो हुई है 415,000 प्लस डॉलर, यानी कि 4,15,000 डॉलर प्लस की इसकी एडवांस बुकिंग हुई है ओवरसीज में गाइस। और ऐसा बताया जा रहा है कि ओवरसीज और भारत की जो एडवांस बुकिंग जो हुई है 100 करोड़ प्लस की हुई है। और पता है मेरे को एक बुरा ये लगा, अब मुझे ये पता नहीं ये बात सच है या नहीं है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा, आप ऐसा करें स्क्रीन पर देखें, और स्क्रीन पर देखने के बाद एक ये चीज आप नोटिस करें, यहां पर जो बताया जा रहा है बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट 188 करोड़ प्लस की, मतलब की प्री सेल्स हो गई है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया की 106 करोड़ प्लस की हुई है और ओवरसीज में हुई है 10 मिलियन प्लस। मतलब आप ये देखें, अब ये झूठ, ये झूठा मतलब की पोस्ट है जिस सोर्सेस ने मेरे साथ शेयर किया है, या वो झूठ बोल रहा है, या जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाले मतलब की जो एनालिसिस है वो लोग झूठ बोले, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से रश देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल तमिलनाडु में फैंस भाई पागल हुए पड़े हुए थे, वहां पर नाच रहे थे पागलों जैसे नाच रहे थे, क्योंकि रश होना जरूरी है भाई, थल्लापति विजय सर का स्टारडम है। और जब मैंने ये पिक्चर लिटरली गाइस रात में 2-3 बजे मैंने पिक्चर क्लियर देखा था, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, और जब जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ओनली 3 घंटे सोया हूँ गाइस, 3 घंटे सोया हूँ, क्योंकि लियो का इतना हेवी रश मेरे अंदर है, आपके अंदर, हम सबके अंदर है, जो कि कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा को ब्लास्ट करके रख सकता है। वैसे गाइस आप हमें बताएं थल्लापति विजय सर की लियो मूवी के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है, और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द लियो मूवी का रिव्यू दो, क्योंकि 10 बजे का फिक्स मेरा शो है, तो इंटरवल जैसा होगा तो कुछ हिंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।
करूंगा। वैसे आप लोगों को क्या लगता है लियो मूवी के बारे में, एडवांस बुकिंग के बारे में, प्री सेल्स के बारे में क्या लगता है, डे वन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या आना चाहिए? अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।